This is question number 4th, part 1. Here, it is given that in the question, un is equal to under root n plus 1 minus root n. What will we have to do here? We will take root n common from the first part, then from both the parts. Like, and we will apply the binomial theorem 1 plus x to the power n. Aap sabhi jaante hain, ye hoti hai 1 plus nx plus n n minus 1 upon factorial 2 n x square. तो यहाँ पे आपका n कितना है कहिए n is half और x कितना है 1 upon n तो ये multiply हो कितना हो जाएगा 1 plus nx तो n है half और x है 1 upon n फिर n n minus 1 तो half half minus 1 upon factorial 2 और इस term का square हो जाएगा and so उसके बाद इसको आप इसको solve कर लेंगे solve करके ये आएगा और root n को यहाँ पे अंदर ले जाएंगे आपने अगर last question किया होगा cos 1 upon n वाला और sine वाला question उसमें पता है आपको कि जब सीरीज इंफिनिटी तक जाती है तो उसकी ऑक्सिलरी सीरीज निकालते टाइम हम फर्स्ट टर्म की हेल्प लेते हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ ऐसा टर्म आप चूज कर लें जिससे कि un अपॉन vn की जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ जाए लिमिट लगाने पे बस वही भी है वो तो तरीका निकाल लिया है कि आप इसी में से फर्स्ट टर्म में से ले लीजिए या इंफिनिटी तक की सीरीज नहीं होती तो ऊपर और नीचे से n की हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे से ले लें डिवाइड करने पर वो फाइनाइट आनी चाहिए अगर ऐसा एग्जिस्ट हो जाती है सीरीज तब और अगर एग्जिस्ट नहीं होती तब यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग सकता फिलहाल यहाँ हो रही है यहाँ फर्स्ट टर्म में से निकाला un अपॉन vn किया लिमिट लगाने पर हाफ आता है जो कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो है बस अब आप वही लिखेंगे सिंस द रेशियो un अपॉन vn इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो व्हेन n टेंड्स टू इनफिनिटी सो बाय कंपैरिजन टेस्ट un इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज vn इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जस्ट कंपेयर vn With the P-series. तो आप जब ये लिखा है पूरा P-series के बारे में आपने अब तक लिखते लिखते आपको याद हो गया होगा तो P बराबर कितना है यहाँ पे half which is less than 1 therefore we can say that Vn is divergent if Vn is divergent then by comparison test we can say that Un is divergent now look at the second question this is same question just like first part यहाँ पे भी आप n square commonly n बाहर आए n दोनों में से कॉमन वो बने ही ऐसे हैं कि दोनों में से एक ही चीज कॉमन आ जाए पिछले क्वेश्चन में भी यही बात यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाई यहाँ लिखा नहीं है आप अपनी कॉपी में बाइनोमियल थ्योरम भी यहाँ पे लिखेंगे कि आप बाइनोमियल थ्योरम पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा n अंदर ले जाइए और अगले पेज में हम सबको पता है हम ऑक्सिलरी सीरीज निकालेंगे व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन n न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है उसका जो कोफिशिएंट है वो छोड़ देते हैं vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n और साफ डिवाइड करिए और लिमिट लगाइए हाफ आ गया फिर से वही सब कहानियां लिखिए और वी एन वन अपॉन एन है तो कंपेयर करिए पी सीरीज से अब लैंग्वेज कम करते चले जा रहे हैं नहीं लिखा सो वी एन इज डाइवर्जेंट हेंस यू एन इज डाइवर्जेंट पूरा लिखेंगे सो बाय कंपैरिजन टेस्ट यू एन इज डाइवर्जेंट एस इन द वीडियो फर्स्ट में हमने सब ने ये देखा था लैंग्वेज मैंने आपको लिख के वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताई थी ये थर्ड क्वेश्चन आया बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया है आपकी बुक में आप देखिए उसमें उसमें भी आप अंडर रूट एन क्यूब कॉमन लीजिए दोनों में से वही सेम कॉमन आएगा वो बने ही ऐसे फिर इसको आप बाइनोमियल थ्योरम की पूरी कहानी लिखेंगे एक्सपेंड करेंगे एन की पावर 3 बाई 2 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा उसके बाद एन की पावर 3 बाई 2 को अंदर ले जाएंगे ऑक्सिलरी सीरीज लिखेंगे डिवाइड करेंगे जब तीन सवाल चार एक से कर लेंगे याद हो जाएंगे फिर इसको डिवाइड कर दे हाफ आएगा आप पूरी लैंग्वेज लिखिए वरना एग्जाम में भूल जाएंगे यहाँ तो ये लिख दिया है ऐसे और फिर वी एन इज कन्वर्जेंट लिखेंगे हेंस बाय कंपैरिजन कंपैरिजन टेस्ट यूएन इज कन्वर्जेंट ये अधूरे सवाल लिखा हुआ है दो दो तीन तीन पेज लगेंगे दो पेज आपको लिखने लुक एट द फोर्थ पार्ट un इज इक्वल टू अंडर रूट n 4 प्लस 1 ये भी देखिए उसी हिसाब से है कि व्हेनेवर वी टेक द n 4 कॉमन फ्रॉम द अंडर रूट वी विल गेट n स्क्वायर देन वी विल टेक n स्क्वायर फ्रॉम दीस टू पार्ट्स एंड वी विल अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम 1 n माइनस 1 विल बी कैंसिल आउट एंड मल्टीप्लाई n स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट दिस This series, अब आप इसमें क्या करेंगे इस सीरीज का फर्स्ट टर्म को कंपेयर कर वो से vn निकाल देंगे 1 upon n square un upon vn निकालिए लिमिट लगाइए हाफ आ जाएगा सारी लैंग्वेज लिखेंगे vn लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे कि कंपेयरिंग vn विद द पी सीरीज का आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद आप यहां पे उसको लिखेंगे कि साहब दो है वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट देयरफॉर un इज कन्वर्जेंट यहाँ अब एक्सरसाइज के आपके एक क्वेश्चन रह गया उसके दो पार्ट है वो आपका होमवर्क है
अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये तो मैंने प्रोजेक्टर पे लिखे थे क्लासरूम में, यहाँ मैं उसको नहीं लिख सकता, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर दूंगा और आपको भेज दूंगा। आप पहले खुद ट्राई करिए, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं होगा। इनमें से ये फोर्थ क्वेश्चन बड़ा खास है, इनमें से एक आता था पहले, अब तो कुछ पता ही नहीं कि क्या आने वाला है, इसलिए आप सब इसको सही से तैयार करिए। ओके,